अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम CS401 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आपके पास आपके सामने है लेक्चर नंबर 1। ये है आपके पास इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज, और इसमें बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बात हुई है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली आपके पास तीन चीज़ों पे कंप्राइज होता है, तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहला एक प्रोसेसर है, एक मेमोरी, ठीक है, प्रोसेसर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक हो गया। अब इनका काम क्या है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो आपके पास एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और जो मेमोरी है वो आपका प्रोसेसर की इंटरनल एक मेमोरी या इंटरनल वर्ल्ड उसको कह लें, ठीक है, इंटरनल उसका जो सिस्टम है प्रोसेसर का उसको आप मेमोरी कहते हैं। अब जो कंप्यूटर का जो ऑपरेशंस होते हैं जितने भी, अब वो आपके पास दो चीज़ों से आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक उनके पास है प्रोसेसर और दूसरा आपके पास क्या है मेमोरी, ठीक है। दो चीज़ों से आपके पास कंप्यूटर के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे नीचे आ जाएं आप कि तीन किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप मेमोरी को इन्फॉर्म कर सकें कि हम ये रीड देखें। आपके पास बेसिकली कंप्यूटर में दो ऑपरेशंस हैं, रीड और राइट, ठीक है, दो काम है, रीड है या राइट है। तो आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप मेमोरी को इन्फॉर्म करें कि आप रीड करना चाहते हैं, ठीक है, कि हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। और फिर आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप मेमोरी को आप इन्फॉर्म करें कि आप क्या रीड करना चाहते हैं, वी वांट टू रीड प्रिसाइजली विच एलिमेंट, ठीक है। तो ये सेकंड बात है। तीसरी बात कि आपके पास कि देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू ट्रांसफर दैट डेटा एलिमेंट, कि आपको डेटा एलिमेंट ट्रांसफ़र के लिए भी आपको एक मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी से प्रोसेसर में आपको जो ट्रांसफ़र है डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए। तो ये तीन किस्म के लिए के आपके मैकेनिज्म हैं, इनके लिए आपको हर हर एक ऑपरेशन के लिए आपको मैकेनिज्म डेवलप करना है। अब यहाँ पे आपके पास आगे बसेस की बात आ रही है, इस पूरे पैराग्राफ में तीन टाइप की बसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है साइड पे, आपके पास एड्रेस बस है, फिर डाटा बस है और फिर कंट्रोल बस है। एड्रेस बस का मकसद क्या है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं बसेस की टाइप्स। एड्रेस बस का मकसद क्या है कि टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट। ये एड्रेस बस का काम है कि उसने लोकेशन देनी है, ठीक है, कि विच एलिमेंट टू रीड और राइट, की कौन सा एलिमेंट को रीड करना है या राइट करना है, ये आपको जो है ना एड्रेस बस बताएगी। डाटा बस का मकसद क्या है, डाटा बस का काम क्या है, डाटा बस आपको जो डाटा को है वो मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ लेके जाएगी डाटा में रीड ऑपरेशन के दौरान, और राइट जब राइट ऑपरेशन होगा तो वो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जो है डाटा ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। ये अपने डाटा बस को देख लेना है गौर से, ये सेकंड टाइप है, ठीक है, कि उसने जब रीड ऑपरेशन होना है तो डाटा मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाना है, मेमोरी टू द प्रोसेसर। जब राइट ऑपरेशन होना है तो आपका डाटा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाना है, ये डाटा बस का काम है। अब तीसरा काम आपके पास है, थर्ड ग्रुप आपके पास है कंट्रोल बस, ठीक है। अब ये क्या बताता है, कंट्रोल बस का काम है वेदर टू डू द राइट ऑपरेशन और द राइट टू डू द रीड ऑपरेशन और द राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपके पास ये डाटा लाइंस हैं, इनको आप कंट्रोल बस कहते हैं। इसका मकसद क्या है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड या राइट। सो आई थिंक ये आपको तीनों बसेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इसने वो भी बात किया कि ये तीन बसेस आईज नोज और ईयर्स की तरह है प्रोसेसर के लिए। फिर आगे ये बात कर रहा है एड्रेस बस की और डाटा बस की, आपने ये दोनों में डिफरेंस देख लेना है। ये डिफरेंस है, एड्रेस बस का मकसद है, एड्रेस बस आपके पास यूनी डायरेक्शनल है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं
इनमें आपने डिफरेंस देखना है, ठीक है। एड्रेस बस में और डाटा बस में, एड्रेस बस क्या है, आपके पास यूनी डायरेक्शनल है और एड्रेस आपके पास हमेशा ट्रैवल करेगा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ, ठीक है। ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी, और ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा डाटा, ठीक है। अब इसके अपोजिट क्या है, आपके पास डाटा बस है, डाटा बस में आपके पास जो बाई डायरेक्शनल है और ये डाटा आपके पास दोनों तरफ मूव करता है, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी, ठीक हो गया। तो ये आपने इन दोनों बसेस में आपने डिफरेंस देख लेना है, एड्रेस यूनिडायरेक्शनल है और डाटा बस आपके पास बाई डायरेक्शनल है। और थर्ड आपके पास कम्प्लेक्स बस एक, या सॉरी कंट्रोल बस, आपके पास एक स्पेशल रिलेटिवली कम्प्लेक्स एक उसका जो है ना आ जाता है ऑपरेशन। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये आपने छोड़ दिया है, मैंने जितना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब आप यहाँ पे इस पूरे इसने एग्जाम्पल दी हुई है, एक बुक की या सर्वेंट की आपने एग्जाम्पल दी हुई है इसने इस पूरे पैराग्राफ में, इसने बात की है यहाँ तक कि आप देखें, आप अपने सर्वेंट को कोई चीज़ लाने का कहते हैं, सपोज वो बुक ही है, ठीक है, या कोई और चीज़ भी है, तो जब तक आप उसको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताएंगे तब तक वो आपके पास वो जगह वो चीज़ उस चीज़ तक वो नहीं पहुंच सकता। अगर आपने उसको सर्वेंट को बुक लाने का कहा है तो आपने सर्वेंट को उस बुक की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि वो फिफ्थ बुक फ्रॉम टॉप ऑफ द शेल्फ, ठीक हो गया। ये अब आपने उसको एग्जैक्ट जगह बता दी, अब यहाँ से वो इस जगह से वो बुक उठा के आपको ला के देगा। सो हमें पता क्या चला है कि आपको प्रिसाइज लोकेशन का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है, कि प्रिसाइज लोकेशन आपके पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसके अपोजिट आप उसको लोकेशन नहीं बताते, ठीक है, अपने सर्वेंट को आप उसको लोकेशन के नहीं बताते तो आप बुक आपके पास कभी नहीं पहुँचेगी, ठीक हो गया। तो ये सब इसने प्रिसीजन की इसने एग्जांपल दी है, ठीक है। प्रिसीजन इन्वॉल्व, और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपके पास ओनली नंबर्स आर प्रिसाइज इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आपने उसको कोई नंबर देना है, 1 से 100, 1000 जितना भी हो आपके पास कोई भी नंबर होगा। सो नंबर्स आपके पास हमेशा प्रिसाइज है, सो नंबर्स आपके पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास एक प्रिसीजन की और लोकेशन की आपके पास जो इम्पोर्टेंस का पता चलता है। आगे आप बात करते हैं बाइनरी के एड्रेस बस पे क्या जनरेट होता है, एक बाइनरी नंबर जनरेट होता है। देखें आपके पास कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, सिर्फ हायर लैंग्वेज से आप असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर ने लास्ट पे सबसे लास्ट पे आपके पास 0 और 1 रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर ने 0 समझना है या 1 समझना है, ठीक है, आप इसलिए आप ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। सो अब यहाँ पे मेमोरी सेल की बात कर रहे हैं कि आपके पास मेमोरी सेल इज़ एन एन बिट लोकेशन टू स्टोर डेटा, ठीक है, ये आपके पास एक एन बिट लोकेशन है डाटा को स्टोर करने के लिए। अब 8 बिट को आप बाइट कहते हैं, ठीक है, बाइट का मतलब क्या है 8 बिट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब सेल विड्थ को आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि सेल विड्थ से क्या मुराद है, नंबर ऑफ बिट्स इन अ सेल इज कॉल्ड द सेल विड्थ, के जो नंबर ऑफ बिट्स हैं एक सेल के अंदर उसको आप सेल विड्थ का नाम देते हैं। और आपके पास 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है, सेल विड्थ और नंबर ऑफ सेल्स, ये दोनों चीज़ें मेमोरी को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, हो गया। सेल विड्थ हो गया ये आपके पास नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसने आगे फिर वेल की एग्जांपल दी है कि वेल को आप जिस तरह 200 फीट डीप है, 15 फीट वाइड है, ये 2 डायमेंशंस हैं, इसी तरह आपके पास मेमोरी की इसने 2 डायमेंशंस बताई हैं, सेल विड्थ और नंबर ऑफ सेल्स की। और आपके पास मेमोरी आपके पास 8 बिट हो सकती है, 16 बिट हो सकती है, और इसको आप वर्ड साइज ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जनरल आपके पास क्या है, जनरल द मेमोरी सेल कैन नॉट बी वाइडर देन द विड्थ ऑफ द डाटा बस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास मेमोरी सेल है वो आपके पास डाटा बस से ज़्यादा वाइड नहीं हो सकती, ठीक हो गया। और जो आपके पास है मेमोरी बस में, मेमोरी चेंजेस इट्स बिहेवियर इन, आगे बात आ रही है, मेमोरी चेंजेस इट्स बिहेवियर इन रिस्पांस टू दिस सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर। मेमोरी आपके पास क्या करेगी, किसको, अब आगे मेमोरी की बात कर रहा है ये कि मेमोरी आपके पास जो प्रोसेसर से उसको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, उसमें अपना बिहेवियर चेंज करेगी।
अब आपके पास क्या है कि इफ प्रोसेसर वांट्स टू रीड बट मेमोरी वांट्स टू राइट देयर विल बी नो कम्युनिकेशन और यूजफुल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास प्रोसेसर रीड करना चाहता है लेकिन मेमोरी आगे आपके पास राइट करना चाहती है, ठीक है, कि दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो फिर आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दोनों को आपके पास क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये आपके पास कंट्रोल बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये देखें, द प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल बस, ठीक है, कि जो इसने प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जो उसने सिंक्रोनाइजेशन करनी है वो किसका काम है, वो आपके पास कंट्रोल बस का काम है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द अप्रोप्रिएट सिग्नल्स ऑन द कंट्रोल बस, ठीक है, के उसने जो कंट्रोल बस पे अप्रोप्रिएट सिग्नल्स भेजने हैं वो भी प्रोसेसर का आपके पास काम है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द अप्रोप्रिएट सिग्नल्स ऑन द कंट्रोल बस टू द मेमोरी इज ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर आपके पास अप्रोप्रिएट जो है सिग्नल्स वो सेंड करेगा। अब इसी तरह कंट्रोल बस को कहता है कि ये आपके पास बाई डायरेक्शनल है, ठीक हो गया। तो आगे इसने आगे एक फिर एग्जांपल दी है ड्राइंग रूम लॉक की, ठीक है। तो कंसीडर दैट द सर्वेंट वेंट टू फेच द बुक जस्ट टू फाइंड दैट द ड्राइंग रूम डोर इज लॉक्ड, ठीक है। सर्वेंट ड्राइंग रूम में जाता है बुक उठाने के लिए लेकिन वो आपके पास लॉक है, ठीक है। तो फिर आपके पास बुक भी आपके पास तब भी आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। इसके यही मतलब है कि वो जितना भी ओबीडियंट होगा जब तक कि आपके पास डोर ओपन नहीं होगा, ड्राइंग रूम ओपन नहीं होगा, तब तक आप वो आपको ऑर्डर ओबे नहीं कर सकता, आपका जो बुक है वो आपको नहीं ला सकता। तो उसके ये मतलब है मेमोरी इज लॉक्ड फॉर द मोमेंट, ठीक हो गया। तो इस मकसद के लिए कि आपके पास फॉर सच सिचुएशंस व्हेन पेरिफेरल वांट्स टू टॉक टू द प्रोसेसर व्हेन द प्रोसेसर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग them to speak special lines in the control bus are used, ठीक है। जब peripheral devices आपके पास processor के साथ ठीक communicate करना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन processor आपके पास expect नहीं करता कि वो उनके साथ communicate करे, तो फिर आपके पास वो control bus को use करता है, ठीक है। So control bus का मकसद क्या है, इन दोनों के दरमियान communication जो है वो perform करना। So for these reasons the control bus is a bi-directional bus and can carry information from processor to memory as well as from memory to processor. तो इसके लिए आपके पास क्या है, control bus bi-directional है कि वो दोनों ways में processor से memory और memory से processor की तरफ data को transfer कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात आ जाती है जो है registers की, कि अब आपके पास ये देखें ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 2+3=5, ठीक है। अब ऑपरेशंस और ऑपरेंड्स को आप समझ लें। ऑपरेशंस आपके पास क्या हैं, ठीक है, ऑपरेशन आपके पास क्या है, प्लस का ऑपरेशन है, और जो 2 और 3 है वो आपके पास ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर आइडिया होगा 2 और 3 आपके पास क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस आपके पास ऑपरेशंस हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स आर द डाटा ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म operands are the data on which we want to perform a certain operation, ठीक है, कि ये जो आपका 2 और 3 आपके पास data है जिस पर एक आप operation perform कर रहे हैं। So registers को आप define कैसे करते हैं, कि registers आपके पास temporary storage places होते हैं inside the processor, ठीक है, जहाँ पे आप उसमें जो operands वगैरह वो आपके पास store हो सकते हैं। सो रजिस्टर्स को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या होगा कि ये आपके पास क्या है, टेम्पररी स्टोरेज प्लेसेस हैं प्रोसेसर के अंदर। आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं दे हैव प्रिसाइज लोकेशंस, रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, एंड रिमेंबर व्हाट इज कि ये आपके पास प्रिसाइज लोकेशंस हैं, और ये मतलब कि इनके अंदर जो प्लेस होता है वो आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। दे आर यूज वेन वी नीड मोर देन वन डाटा एलिमेंट इन साइड द प्रोसेसर एट वन टाइम, ठीक है। रजिस्टर्स को आप तब यूज करते हैं जब प्रोसेसर के अंदर आप एक से ज्यादा डाटा एलिमेंट को प्लेस करना चाहते हैं,
ठीक हो गया। ये आपके पास इनका मकसद है कि जब आप प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा डाटा एलिमेंट्स को प्लेस करना चाहते हैं तो फिर आप रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स आपके पास वेरी स्मॉल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ये आपके पास प्रीशियस रिसोर्स है, और ये एक से ज़्यादा नंबर्स में यानी मैनी रजिस्टर्स होते हैं, सिर्फ एक रजिस्टर नहीं होता, एक से ज़्यादा, मोर देन वन इन नंबर्स, ठीक है, एक से ज़्यादा रजिस्टर होते हैं। सो आपने इनको नेम करना होता है, इनको कुछ नोमेनक्लेचर इनका आपने डिफाइन करना होता है, ठीक है, इनकी नेमिंग आपने करनी है। तो नेमिंग आप अपनी मर्जी, मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से कर सकता है। अब ये एक नेमिंग है R0, R1, R2, ABCD, ठीक है, ये आपके पास दो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, ABCD भी आप रजिस्टर्स को नाम दे सकते हैं, R0, R1, R2 भी आप दे सकते हैं। नोमेनक्लेचर की आपके पास बात हो रही है, और फिर आपके पास आगे बात हो रही है यहाँ पे रजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर, आप उनको फंक्शंस के लिहाज से भी आप बता सकते हैं कि X स्टैंड्स फॉर एन इंडेक्स रजिस्टर, ठीक हो गया। तो इस इंडेक्स रजिस्टर का, अब ये फंक्शन के लिहाज से इसको आपने रजिस्टर्स को आपने डिफाइन कर दिया है। तो अब इनका क्या करना, इंडेक्स रजिस्टर का मकसद क्या है कि आपके पास ये डाटा का एड्रेस होल्ड करते हैं, ठीक है, ये डाटा को होल्ड नहीं करते बल्कि डाटा का एड्रेस होल्ड करते हैं, ठीक हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्यूमुलेटर और आगे ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।